साथियों जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए। सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए आपको एक देशद्रोही की बात बताने के लिए आया हूं। हिंदुस्तान में जो देशद्रोही पनपते हैं, उनको उनकी जगह जाकर के उनको जब तक आप सबक नहीं सिखाओगे, तब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हो पाएगा। इन मूल्यों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जय श्री राम, जय मां भारती, वंदे मातरम। सभी भारतीय मित्रों को बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद। मैंने कैप्शन में लिंक डाली हुई है, उस लिंक पर आप क्लिक करें। मैंने उसको उसकी भाषा में जवाब दिया था, लेकिन शायद उसने या तो मुझे ब्लॉक कर दिया या पोस्ट डिलीट वहां से की है। लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैंने उसकी कंप्लेंट ऊपर की है, और मैं जल्दी ही उसके ऊपर FIR दर्ज करूंगा, या फिर अपने तरीके से मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा। वो कालपी से है, उत्तर प्रदेश शायद। मैंने उसकी जो लिंक है, मैंने मेरे इस पोस्ट के इस लाइव वीडियो में मैंने कैप्शन में उस लिंक को डाला है, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, हृदय से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके उस आईडी पर जाकर के उसकी माँ बहन एक जो करना है करिए, बाकी का सारा मैं निपट लूंगा आगे। क्योंकि ये कटुआ है, मुल्ला है, और इन हराम खोर मुसलमान जो खाते हैं मेरे हिंदुस्तान का, ये नाजायजों की औलादे खाकर मेरे हिंदुस्तान का, गाते हैं उस इमरान खान की, गाते हैं उस पाकिस्तान की। इस मुसलमानों को, इस हराम खोर नाजायज औलादों को, जो मोहम्मद को अपना आदर्श मानते हैं, जो इस्लाम को अपना आदर्श मानते हैं, इस्लाम का मतलब शांति होता है, और शांति होने के बाद ये हराम की नाजायज औलादे अशांति फैला रहे हैं, खा रहे हैं मेरे भारत का, हमारे नरेंद्र मोदी की झूठन चाट रहे हैं नाजायजों की औलादे, और गा रहे उस इमरान खान का, उसका स्क्रीनशॉट मैंने शायद लिया है, और लिया है मैंने। मैं इस जगह पर, इस लाइव खत्म होने के बाद मैं तत्काल ही उस इस जगह पर मैं उसको उस स्क्रीन को, अबे चूतियो, इस वोडाफोन वाले की माँ की ऐसी तैसी, साला बार बार फोन करता है। तो साथियों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं यहां पर उस स्क्रीनशॉट को यहां पर डालता हूं, और उस हराम के पिल्ले को ऐसा सबक सिखाओ, और जितने भी कालपी में रहने वाले, जितने भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले, जितने भी हिंदू आदि अपने आप को कहते हैं, जितने भी स्वयं को हिंदू समझते, कट्टर हिंदू समझते, मोदी के समर्थक समझते, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समझते हैं, हिंदुस्तान के समर्थक समझते, जो अभिनंदन का आज अभिनंदन करना चाहते, जो शेरों की दहाड़ लगाते हैं, उन सभी को ये चैलेंज है मेरा, उन सभी को ये मेरा आदेश है, उस कटमुल्ले को, उस मुल्ले को उसकी औकात दिखाओ, इस हराम के पिल्ले को, जिसको मैंने यहां पर उसकी लिंक मैंने कैप्शन में डाली है, ऐसे मुसलमान नाजायजों की औलादों के कारण जो कुछ थोड़े बहुत अच्छे मुसलमान है वो सारे के सारे बदनाम हो जाते हैं, और उस कुत्ते को, उस सुअर के पिल्ले को, उस गटर की औलाद को, उस नाजायज की औलाद को, न जाने उसकी मां पर कितनी औलादें चढ़ी होगी, माफ करना मेरी बहनों, कितने लोग चढ़े होंगे जिसके कारण वह हराम की औलाद पैदा हुआ। मेरे हिंदुस्तान का खाता है हराम का पिल्ला, और इमरान खान सही है बोल रहा था, मोदी गलत है, इन मादरजात साले कुत्ते नीच लांडे, तुम्हारी माँ का साला एक भी कटुए को जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर इस प्रकार की कोई नाजायज हरकत करता है। और जितने भी मोदी विरोधी पोस्ट आती है, जितने भी पाकिस्तान की गुणगान गाने वाली पोस्ट आती है, दुर्भाग्य ये है हमारा कि ये पोस्ट करने वाले ये दल्ले मुल्ले हैं, ये पोस्ट करने वाले भीमटो की औलादे हैं, जो कहते मेरे सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, इनकी रगों में खून नहीं है। अगर खून कहते भीम सेना, काय की सेना, भीम सेना तो गई क्यों नहीं अभी तक सेना के पास अपना मनोबल बढ़ाने और अपनी ताकत दिखाने, तुम सारे गांडुओं की औलादे हैं, तुम सिर्फ भोगते हो। ये दिगंबर सन्यासी रात्रि को 2 बजे भी अपना शस्त्र लेकर या बगैर शस्त्र भी लड़ने के लिए जाता है, हाईवे पर खड़ा रहता है, किसी से डर नहीं लगता, मुझे मुझे पता है कि कोई भी गोली आकर के मेरे सीने में अपना छल निकल जाएगी, उसका डर नहीं, मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे वतन के लिए। अगर सेना के हजारों शहीद अपना रक्त बहाते हैं तो मेरे रक्त की कोई कीमत नहीं, मेरा रक्त बहेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना याद रखिए कि इन मुसलमानों ने मेरे देश को बिगाड़ा है। जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ 1947 में, धर्म के नाम पर हिंदू यहां रहेंगे और मुसलमान यहां से चले जाएंगे, तो ये मूल्य मेरे देश में क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार की अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये इस प्रकार से मेरे देश को तोड़ना चाहते हैं। मेरे देश का सिपाही बाहर जाकर के बाहर के आक्रांताओं से लड़ता है, लेकिन इन हरामियों से कौन लड़ेगा, इस हरामियों से हम लड़ेंगे, इन हरामियों से मेरा हिंदू लड़ेगा, इस हरामियों से शेख जफर जैसा सच्चा मुसलमान लड़ेगा, इन हरामियों से हमारा हर हिंदू लड़ेगा, हमारी हर बहन लड़ेगी, हमारी हर वीरांगना लड़ेगी। साथियों कैप्शन में मैंने डाला हुआ है उसकी लिंक को, और फिर से मैं इस कमेंट्स बॉक्स में उसकी लिंक डालूंगा। उसे जेल में भी डालना है मुझे, और हर हालात में उसके शरीर के
छोड़ूंगा नहीं उस कालपी की नाजायज औलाद को, साले कटुए मुल्ले हराम की नाजायज औलाद। मोहम्मद को अपना आदर्श मानता है, मोहम्मद ने तुम्हें यही सिखाया, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें यही सिखाया कि जिस वतन का खाते उस वतन के अंदर छेद करना। हलालाओं की औलाद, जब तुम अपनी माँ और बहनों के साथ में संभोग कर सकते हो, जब उनके अंदर तुम किसी प्रकार का भेदाभेद नहीं करते, जाते मुर्गे पर चढ़ जाते, सुअरों पर चढ़ जाते, ये वतन तुम्हारे लिए किसी प्रकार से कोई मायने न रखता। याद रखना, हराम की नाजायज औलाद तुम्हें ये सूर्य सागर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं मेरे मातृभूमि की सौगंध खाता हूं, मेरे प्रकार से मैं तुझे दंड करूंगा, दंड दूंगा। अब मेरे दंड का विधान कैसा है यह मैं नहीं बताऊंगा, ना तुम जानोगे, पर मैं तुझ तक पहुंचूंगा, मेरे लोग तुझ तक पहुंचेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे, साले खाता है साले कुत्ते मेरे देश का। साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से मैंने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए आता हूं। मेरे मन में बड़ी आग लगी हुई है, इस हराम के पिल्ले को अगर मेरा हिंदू भाई दंड नहीं देगा तो मैं आपको हिंदू मानने को राजी नहीं रहूं, राजी नहीं, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। इमरान खान के गुण गाता है आतंकवादी की नाजायज औलाद, इसे जेल में डालना होगा, इसके शरीर के हजारों टुकड़े करने होंगे, तभी मेरे आत्मा को सुकून पहुंचेगा। हराम की ऐसे नाजायज औलादों के कारण पूरा मुसलमान बदनाम हो रहा है। मेरे हजारों मुसलमान समर्थक हैं, मुझे हजारों मुसलमान भी प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे नीच गद्दारों की तरह वो मुसलमान नहीं है जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है वो मुसलमान वाकई में इस्लाम है। उसका मुसल्ले ईमान, जिसका ईमान परमात्मा के चरणों में और अल्लाह के चरणों में विसर्जित होता है, वो मुसलमान है। ये साले सुअरों की औलादे, हराम की नाजायज औलादे, इन्हें छोड़ना नहीं होगा साथियों, किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं होगा। और सुन रहे, हराम की औलाद नाजायज साले, मैं बोलता नहीं, जल्दी गाली नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं तुझे बोलता हूं, रंडी की औलाद, तुझे क्या लगता है तू मुझे ब्लॉक करेगा, दूसरे अकाउंट से मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। मेरे अकाउंट पर आकर के फेक लोग गालियां बरोड़ जरूर देते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आदत हो गई है गालियां खाने की, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेगा, छोड़ेंगे बिल्कुल। कल एक सावित्री दुबे नाम का कोई, सावित्री दुबे एक मीरा भाईंदर से कोई एक रंडी मेरे अकाउंट पर आकर के लिखती है कि मुझे ये नहीं फलाना ढिकना। ये साले ईसाई मिशनरी वाले हमसे पंगा लेंगे, ये साले कटुए हमसे पंगा लेंगे, जिसके खून में, जिसके रग रग में क्षत्रियता दौड़ती, जिसके रग रग में पूर्वजों का खून, जो ईमान का खून, सच्चाई का खून है, वे तुम लोगों से भय नहीं खाते, डरते नहीं है। मैंने पहले कहा था, खुदा डरता है उस नंगे से, वो नंगे हम हैं। ध्यान रखना, तुम्हारी चड्डियां उतार दूंगा मैं, तूने जो गलत कमेंट, गलत पोस्ट की है, इसका दंड तुझे मिलेगा। हराम के पिल्ले मुल्ले कटुए नाजायज की औलाद, खून खोल रहा है मेरा, अगर तू मेरे सामने होता ना, तेरे शरीर के हजारों टुकड़े कर देता मैं, हजारों टुकड़े कर देता, मार देता तुझे मैं। एक अभिनंदन, मेरा एक अभिनंदन जाकर के पाकिस्तान में उनकी माँ का साकिना का कर सकता है, और तुझ देश से हराम की नाजायज औलादे तुम्हारी रक्षा के लिए वो अभिनंदन बाउंड्री पार जाकर के युद्ध कर सकता है, लेकिन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे तेरी औकात जरूर दिखाएंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। भारतीय साथियों, इसे छोड़ना नहीं, इसे छोड़ना नहीं, आ जाओ, इसे छोड़ना नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं छोड़ना। जितने भी मुसलमान मुझे देख रहे हैं, जो सच्चा प्रेम करते हैं मुझसे, जो प्रेम करता है हिंदुस्तान से, जो प्रेम करता है मोहम्मद से, जो प्रेम करता है नबी से, जो प्रेम करता है अल्लाह से, उसे उस अल्लाह की सौगंध, उस कुरान पाक की सौगंध, उस परमपिता परमात्मा की सौगंध, इस मूल्य को, उस कठमूल्य को, उसकी औकात दिखाओ, जो इमरान खान को सच्चा साबित करना चाहता है, जो इमरान को, मैं लिंक दे दूंगा, मैं किसी न किसी, मेरे पास उसके लिए, मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा, मैंने उसकी रिपोर्ट कर दी है, और उसको प्रशासन उठाएगा, उसको प्रशासन जेल में डालेगा, जरूर डालेगा। और प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं, अगर उसको पकड़ में ले लेते हैं तो पहले मेरे से कांटेक्ट करना, पहले मेरे से कांटेक्ट करना, क्योंकि मैंने तकरार की है, इसलिए पहले मेरे पास, मेरे नंबर पर, मेरा नंबर है 9099110008, ये नंबर जिहादियों के पास है, अफगानिस्तान पाकिस्तान सभी 56 मुस्लिम देशों के पास मेरा नंबर है। किसी के मायके ताकत नहीं, औकात नहीं, जो मुझसे लड़ भिड़े। धमकियां देना सुअरों का काम होता है, गिदड़ों का काम होता है, कुत्तों का काम होता है, मर्दों का काम होता है लड़ाई लड़ना, मर्दों का काम होता है बोलना। गुरु वशिष्ठ के शिष्य राम थे, और सांदीपनी के शिष्य श्री कृष्ण थे, चाणक्य गुरु थे उस
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, समर्थ रामदास के शिष्य थे छत्रपति शिवाजी, और मेरे सारे शिष्य आप हो। मैं राम नहीं बनना चाहता, मैं कृष्ण नहीं बनना चाहता, मैं वशिष्ठ बनना चाहता हूं, मैं कृष्ण का गुरु बनना चाहता हूं, लेकिन मैं सम्राट बनना नहीं चाहता, मैं तख्त पर बैठना नहीं चाहता, मैं तख्त पर बैठाने वाले महावीरों को पैदा करना चाहता हूं। साथियों, इस मूल्य को छोड़ना नहीं, इस मूल्य को छोड़ना नहीं, मैं लीगल और अनलीगल तरीके से जैसे भी मुझे करना है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे प्रशासन मुझे दंडित करे, लेकिन जो मेरे देश के गद्दार है इन्हें हम उनकी औकात दिखाएंगे। अब आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। गृह युद्ध की बात करते हैं, नाजायज की औलादे, अरे तुम्हारे पास जखीरा छोटा सा होगा, तुम्हारे पास छोटा सा सुतली बम होगा, तुम्हारे पास छोटा सा सुतली बम होगा, हमारे पास क्या है वक्त आने पर बता देंगे। साथियों, बड़ी आग लगी हुई है और आगे आग और जहर उगलू, बेहतर है अपने आप को इस समय में रोकू, पर इस कुत्ते को छोड़ना नहीं। ये कालपी का रहने वाला है, जितने भी कालपी से जुड़े हुए मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वे मुझसे अभी और इसी वक्त कॉल करें, जैसे ही मेरा मोबाइल, जैसे ही मेरा लाइव डिस्कनेक्ट होता है, इसे छोड़ूंगा नहीं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभिनंदन आज लौट रहा है मेरे देश में, एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा शूरवीर मेरे देश में पुनः लौट रहा है दहाड़ मारते हुए। सभी को इतना ही कहूं, अपने हर पोस्ट पर अभिनंदन की पोस्ट होनी चाहिए। श्री राम लौट रहा है हिंदुस्तान में, दिवाली मनानी चाहिए, रात्रि को दिए जलाओ, पटाखे फोड़ो, दिए जलाओ, सम्मान से मिठाइयां बांटो और लाइव डालो। मैं हर व्यक्ति का लाइव देखने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। दिए जलाओ, अपने घरों में दिए जलाओ, दियो की बौछार करो, बरसात करो, क्योंकि आज दिवाली मनानी है हमें। हमें हमारे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना है, हमारे अभिनंदन का मनोबल बढ़ाना है, माननीय नरेंद्र मोदी का मनोबल बढ़ाना है। एक ऐसा हीरा 800 साल बाद हमें मिला है, उसको हमें खोना नहीं है। और हम जानते हैं ये विधर्मी है, पाकिस्तानी मुल्लों की नाजायज, हम जानते हैं इन नाजायज की औलादे मेरे देश को खोखला बनाने का प्रयास करेंगे, हम नहीं होने देंगे। जब तक हम जीवित है, हमें मरने के बाद भी हम हमारी लड़ाई बरकरार रखेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारतीय मित्रों, इस कठमुल्ले को छोड़ना नहीं, इसकी माँ का साकिना का, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है इसके ऊपर। साले